जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। राम जी, हरी ओम, आशीर्वाद भैया। बताओ बाबू देवराज सिंह जी। जी गुरु जी, कुछ जिज्ञासा बा? जी गुरु जी, बोलो। गुरु जी, जन्म मृत्यु तो सबका निश्चित है। सबका निश्चित है जी। फिर जो कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, हाँ। तो गुरु जी, जन्म मृत्यु किसका होता है? अच्छा, वो तो अहंकार एक तत्व है अविद्या का, वही जन्म मृत्यु के चक्र में रहता है। और कोई जिज्ञासा है? नहीं। हरिओम। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो राम जी भैया, बताओ। गुरु जी, आज एक भाव बा। बताओ। कि आपके सानिध्य में जब से बुद्धि आई है जी, तब से मोह तो हमार भाग गया गुरु जी। मोह भाग गया, बढ़िया। और यहाँ तक भाग गया गुरु जी कि कौनो पद ईश्वर के, हाँ, ब्रह्मा जी तक का कौनो मतलब नहीं रहेगा। समझ में आ गया। काहे से गुरु जी, आपके आचरण और वाणी से ये पता लगा जी, आसक्ति रहितम आप बाएं। आसक्ति नहीं बा, आसक्ति रहता आप पकड़ लेते, वो निश्चित मालूम हो जाती है। आसक्ति के आप बहरे बाएं। ठीक। हाँ, और दूसरी बात ये गुरु जी, आज देखो तो कि बड़ा धूमधाम गंगा जी के किनारे छठ माता के पूजा होता। हाँ, ये सब तो कुल अब हमारे मुखौटे दिखा था। मुखौटा बात है। हाँ, श्रद्धा के एक भी कण नहीं बा जी, जब से बुद्धि आपके सानिध्य में आई। ठीक। हाँ, दिखावा दिखावा। हाँ, ठीक गुरु जी। और एक तो आप जौने अवस्था में बहन है, एक तो मनुष्य समझे वाला तो नहीं बा गुरु जी। से 8 साल लगभग हो चाहला जी, 3 साल के बाद प्रभु कृपा भल तब तो आपके आचरण और व्यवहार के समझे लगे बुद्धि। ठीक। हाँ, एक गुरु जी ऐसा व्यवस्था बनावे कि संसार जगत के कल्याण हो, ये भाव के समझे। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबू देवराज सिंह बच्ची जी, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो आपकी जिज्ञासा है कि जन्म मृत्यु तो सबका निश्चित है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है का क्या अर्थ है? कि लोग अकाल मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। तो जन्म और मृत्यु दोनों अहंकार का होता है। सबसे पहले तो आपका जो जिज्ञासा है कि जन्म मृत्यु आत्मा का नहीं होता तो किसका होता है, तो अहंकार का होता है। तो अहंकार क्या है और यह कैसे पैदा होता है
और फिर इसको मृत्यु क्यों मिलती है, यह बात आप या जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे वह स्पष्ट ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण कर ले। जो परमात्मा जिनकी यह बुद्धि दासी है, जहाँ से सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, तो जीव एक अनुभव में आने वाली वस्तु तो है। बुद्धि को अनुभव लगता है कि मैं सजीव हूँ, मेरे अंदर जीव है, ठीक ना जी? धीमे काहे बोलत है, ठीक। तो यह जीव ईश्वर का अंश है, अर्थात जो वैज्ञानिक मित्र है वह भी स्पष्ट ज्ञान रख ले कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अलाउ दिस अनकॉन्सियस मैटर फॉर हार्मोनल न्यूरो हार्मोनल एक्शन एंड रिएक्शन। इट्स ओनली द डिवाइन एंटिटी दैट इज अनअटैच्ड एंड बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ एंड हुज एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज means there is no mother of Lord of Universe Sri Shivji। यह वैज्ञानिकों के लिए था, इसलिए अंग्रेजी में बोलना पड़ा क्योंकि वैज्ञानिक लोग ज़्यादा कॉन्वेंट एजुकेटेड ही होते हैं। सो हिंदी में जो भी मित्र अनुभव करना चाहे तो उनको भी पता है, किसान है कि खाद यूरिया खाद डाल देंगे खेत में तो उपज अच्छी हो जाएगी, तो ज़रूर इस खाद का प्रभाव है, क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी कोई रासायनिक या जैव रासायनिक क्रिया ही नहीं है जिसके द्वारा चेतना की उत्पत्ति हो जाए। इसलिए सबसे पहले बुद्धि में यह रख ले कि जो आपके बुद्धि में चेतना है वह आपके जीव के कारण ही है, और जब तक आप की बुद्धि ये पंच तन मात्राएं होती है, कान से शब्द सुनाई देता है तो सबको इच्छा लगा है मैं तो लता मंगेशकर की आवाज में गाना सुनता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, वह भ्रम है। शब्द के पास वह क्षमता ही नहीं है जो कि आपको परमात्मा का अनुभव करा सके। परमात्मा का अनुभव जो मनुष्य परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेगा वही आपको करा सकता है। तो शब्द, चमड़ा से स्पर्श, नेत्र से रूप का दर्शन, जिह्वा से रस टेस्ट और नासिका से गंध,
तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिनकी बुद्धि इन पांच विषयों में सुख ढूंढ रही है तो उनको तो कभी विवेक हो ही नहीं सकता। विवेक जो कि एक परमात्मा का तत्व है, यह प्रकृति का अंग नहीं है। विवेक जो यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध की रचना की है शक्ति, उसके पास विवेक नहीं है, वह माया अलग है। विवेक सीधे यह परमात्मा का तत्व है जो प्रकृति के कार्य रूप पंच महाभूत और शब्द स्पर्श रूप रस गंध फाइव ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस को उत्पन्न करती है प्रभु श्री राम जी का ही बल पाकर। हनुमान जी इस बात को बता दिए कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया। तो इन पांचों तत्वों के पास वह क्षमता नहीं है कि आपको एक क्षण के लिए भी शांति प्रदान कर सके, चाहे वह स्वर्ग का ही भोग क्यों न हो। तो द फ्रेंड हुज माइंड इज ड्वेलिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस फॉर हैप्पीनेस एंड जॉय एंड पीस नेवर एवर दे कैन अचीव प्योर विजडम, दैट्स नोन एज विवेक। ठीक, तो विषय में अब क्या है कि जब यह निश्चित है कि विषय में सुख शांति और चेतना ही नहीं है ना, तो ऐसे भी आपकी बुद्धि से इतना अनुमान कर सकते हैं कि जिस वस्तु में चेतना है ही नहीं, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के यहाँ अपना रिश्तेदारी थोड़ो बनाएगा, न तो कार्बन की बिटिया से शादी करेगा, इनमें चेतना नहीं है। तो जिसमें चेतना नहीं है तो वह शांति क्या देगा, ऐसे एक साधारण मनुष्य भी समझ सकता है। और जो इसमें सुख ढूंढेगा वह तो कभी शिव जी की उपासना कर ही नहीं सकता, और बिना शिव जी की उपासना के यह बुद्धि अनाश्रित और आसक्ति रहितम हो जाए, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। बोला जोर से यार, नहीं है प्रश्न ही नहीं है। आपके इस मित्र की जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया, अब उसको पवित्र भाव से आप अनुभव कर लें। आप यानी धरती का प्रत्येक मनुष्य, यह मित्र के भाव में बाणी प्रकट हो रही है। यह ना तो कोई अधिकार है, ना तो उपदेश है, ना तो आज्ञा है भैया। तो शास्त्र जो भगवत दर्शन है, यह सत्य होने पर भी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। और कलयुग एक कुचाली विधान है प्रभु का। यहां पर इस समय धरती पर श्रद्धा का एक कण भी नहीं है, तो बिना श्रद्धा विश्वास के शिव जी की भक्ति हो ही नहीं सकती। तो अहंकार का प्रचंड प्रभाव है, यह जब बाड़ी सुनेंगे कि श्रद्धा का एक भी कण नहीं है, तो धरती पर लगभग सबके अंदर कुछ न कुछ यह भाव आएगा कि हाँ तो ही बड़का श्रद्धालु है, हमने भगत नहीं है। यह अहंकार का भाव आ सकता है जी, लेकिन जो भी मित्र दर्शन करे वह इस भाव को न आने दे अपने वृत्ति में, क्योंकि वचन मोर मृखा न होई,
चाहे यह वाणी इस कलयुग में प्रकट हो रही हो तो यह कलयुग रहे, द्वापर रहे, त्रेता रहे, सतयुग रहे, इनका जो भी मार्गदर्शन प्रकट होगा वह अच्युतम के प्रभाव से ही हो रहा है। इसका अर्थ है कि यह दर्शन कभी झूठा नहीं हो सकता। अब अपने चित्त को श्रद्धा से भरना है या इसका निश्चय आपको करना है। हाँ, आपको स्पष्ट जानकारी हो गई कि भोग विलास में वास्तविक शांति प्रदान करने का क्षमता नहीं है। अब कोई वैज्ञानिक कहे कि नहीं शांति मिलती है तो प्रमाणित करे, नहीं तो इस रहस्य को जान करके शुद्ध रूप से आदर के साथ अपने माता पिता का सेवा शुरू कर दें। तो वेद शास्त्र पुराण को तो लोग नहीं मानते, लेकिन आज का यह जो चमरौट या क्या कहेंगे, ये तो चमड़ा मांस और रक्त पर आधारित जो जनमानस का नेतृत्व करने का विधान है, अब इसमें तो आपके इस मित्र को कुछ कहना ही नहीं रहा। लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है तो उसके लिए इसमें भी श्री कृष्ण भगवान की गीता पर हाथ रख के कसम खिलाते हैं, इनमें भी अंदाजा है कि नहीं भगवान कुछ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह बिल्कुल पवित्र ग्रंथ है, इतना जानकारी तो है। लेकिन धरती पर श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक का अनुभव कराने की क्षमता किसी आदि शंकराचार्य हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, या आजकल जो ये सब वेश्यावृत्ति में लिप्त प्रवचन करने वाले लोग हो, विश्वगुरु हो, सदगुरु हो, जो भी जिस भी पोजीशन पर बैठे हो, उनके अंतःकरण में किसी का दोष बोल देने से उसका पाप चढ़ जाता है, इनको यह बात पता है। लेकिन यहाँ पाप पुण्य से भी यह बुद्धि बाहर आ चुकी है, अब इनके किसी पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं रहा। ब्रह्मा जी की मान्यता नहीं चाहिए, शंकर भगवान का पद ही नहीं चाहिए, विष्णु भगवान का पद ही नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भोगना नहीं है, क्योंकि जब इनको अनुभव हो गया कि भोग में कहीं शांतियाँ नहीं है तो ये भोग विलास से मन को हटा दिए, हटा दिए। एक क्या हटाएंगे, शिव जी हटा दिए। जिसको अच्छा न लगे ना वह शिव जी से जाके शिकायत कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आएगा उसका अहंकार अभिमान और आसक्ति से अंतःकरण को छुड़ा करके भगवान की भक्ति हृदय में ट्रांसप्लांट कर देंगे डॉक्टर रविशंकर पांडे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 दो श्लोक में सबके परम पिता परमात्मा माने सबके आत्मा, आप ही की आत्मा का यह आवाज है। कोई न सोचे कि रविशंकर कोई उपदेश कर रहे हैं, यह आपके आत्मा की आवाज है। आप बुद्धि को आत्मा का आधार दे करके देखेंगे तो लगेगा कि नहीं बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ समझौता नाम की वस्तु है नहीं। तो प्रभु 4वें और 5वें श्लोक में यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जो अविद्या का तत्व अहंकार है, अहंकार का अर्थ है कि यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 मन है, 1 शरीर है, यह अमर है, ऐसा जो भाव रखते हैं वो अहंकारी होते हैं। यह शरीर मात्र साधन है जिसके द्वारा आपको इतना ही अनुभव करना है कि आप साक्षात परमात्मा के ही अंश हैं, बस।
अविनाशी भाव से अपने अंतःकरण को भर करके पंचभूत का त्याग कर देना ही इस जीवन का एकमात्र कार्य है। इस जीवन का अर्थ है कि जिसको यह वाणी समझ में आ रही हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वर्ण धर्म आश्रम के किसी अवस्था में हो, जिसको यह बात समझ में आ रही है कि मनुष्य शरीर का एक ही काम है अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव कर लेना, तो जो अनुभव कर लेगा फिर उसका शरीर छूटने के बाद जन्म नहीं होना है, उसको फिर वासना के द्वारा कोई पैदा नहीं कर सकता। जो वासना यानी जो नारी को सुख की वस्तु समझता है और स्पर्श में सुख की कल्पना कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति के शुक्र से मुक्त भाव वाला जीव धरती पर नहीं आ सकता। जैसे अब रविशंकर को, जिस रविशंकर को आप जानते हैं, तो आप तो इस रूप के हिसाब से जानते हैं कि हाँ आई रिकॉग्नाइज डॉक्टर पांडे, बीएचयू से पीएचडी किया, अमेरिका में साइंटिस्ट रहे, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट रहे, तो रूप से पहचानते हैं। अब उसी रविशंकर को अनसुईया जी के पास भी वह पुरुषार्थ नहीं है कि पैदा कर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर सकती है लेकिन रविशंकर को नहीं, क्योंकि यह बुद्धि आदि शक्ति के गर्भ से ही नाता समाप्त कर लिया। और अब तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती भी बाएं बैठ करके पत्नी नहीं बन सकती। तो यह आपके इस मित्र की अवस्था है, नारी के रूप का चिंतन ही नहीं करना रहा, क्योंकि आदि शक्ति सीता जी का स्थान प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुखकार जी के पत्नी को दे दिए कि आप ही सीता जी हैं। क्योंकि ऐसी कोई स्त्री धरती पर है ही नहीं जिसके हृदय में सीता जी का निवास न हो, आदि शक्ति का निवास न हो, ऐसी कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। अब जिसके अंतःकरण में भाव हो, धरती के हर मनुष्य चाहे तो अपने पत्नी को अपना सीता जी बना दे, कौन रोक रहा है? इन्होंने अपने माता पिता को ही गौरी शंकर जी का सम्मान दे दिए, तो जिसका सम्मान दे दिए, ये सीता जी को जब सम्मान दे दिए कि आप ही हैं, अब इनके शक्ति से मात्र इरेडिकेशन ऑफ डिजीज ऑफ कॉन्साइंस एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अनसीजिंग डिवोशन फॉर द लोटस फीट ऑफ श्री शिव जी, यही कार्य होगा। हिंदी में धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन और भक्तों के अंतःकरण में अनपायनी भक्ति का प्रत्यारोपण, यही ड्यूटी अब इस चरित्र की है। इसके अलावा पंचभूत के द्वारा क्या क्रिया हो रहा है, कुछ नहीं। तो प्रभु पांचवें अध्याय में बता दिए हैं कि अहंकार जो अविद्या का तत्व है, यही पांच ज्ञानेंद्री, फाइव सेंसेस ऑफ परसेप्शन और पांच कर्मेंद्री, फाइव सेंसेस फॉर द रिएक्शन और एक मन, 11 के बीच में आप जो पड़े हुए हैं शरीर लेकर, इसका कारण ही है अहंकार। और अहंकार के रहते कोई मनुष्य श्री शिव जी के शरण में आ ही नहीं सकता बच्ची। तो चूंकि यह क्रिया करने में मनुष्य असमर्थ है, दम रहा नहीं कहीं अपने
आत्मा के अधीन मन बुद्धि को कर लेना ही दम होता है, पहलवानी या बॉडी बिल्डिंग से दम नहीं। ठीक, यह रहा नहीं तो यह तो युग का प्रभाव है। तो आप जो भी श्रद्धालु इस भाव का दर्शन करे वह समझ सकते हैं कि सही बात है, शंकर जी अहंकारी को थोड़ा अपने पास रखेंगे। इतना एक साधारण भी बुद्धि वाला मनुष्य होगा तो समझ सकता है कि बात तो सही है। भगवान के शरण में अहंकार, अभिमान और आसक्ति, अफेक्शन एंड एवर्शन, इनका कोई स्थान ही नहीं है। तो जो भगवान के शरण में नहीं आएगा, शिव जी के कोई हो, वो आदि शंकराचार्य हो, साई मियां हो, बुद्धा हो, कबीरा हो, कोई हो, जो प्रभु के शरण में आएगा उसकी पहचान यह होगी कि अहंकार, अभिमान और आसक्ति का अनुभव कोई अंगूठा छाप भी रहे तो उसको भी ना हो, उसको भी लगे कि नहीं गुरु जी के अंदर भैया अहंकार, अभिमान और आसक्ति नहीं है। तो अब यह वाणी का विषय तो गोलू है नहीं। तो जो प्रभु के शरण में आ जाएगा फिर उसका मृत्यु के बाद जन्म का चक्कर नहीं रहेगा। इसलिए आपकी जो जिज्ञासा रही कि जन्म मृत्यु सबका निश्चित है, तो ऐसा नहीं है। अभी शरीर से जो भगवान का सेवक हो जाएगा तो वह मृत्यु के बाद उसका जन्म होना नहीं है, वो आनंद सागर में ही रहेगा। जैसे यह है व्यवस्था, इसमें धरती पर कोई ऐसी स्त्री ही नहीं है जिसके अंतःकरण में गौरी जी का निवास न हो। अब बात तो स्पष्ट कर रहे हैं, अब रही बात कि इसको प्रमाणित करना हो तो अगर संसार चाहेगा तो जिस क्षण चाहेगा 10 मिनट के अंदर सबको अनुभव करा दिया जाएगा। लेकिन इनको तो लोग अपने समाज का अंग ही नहीं मानते भैया, तब इसमें क्या कहें। हाँ, इतना अवश्य है तो आप समझ गए। तो जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अतस्माद् परिहार्यार्थे ना तुम सोचितुम अर्हसि। तो जिसमें अपना बस न हो, अब कोई कहे कि हम किसी प्रकार से दिन रात को रोक लें, जो दिन हो रहा है फिर रात्रि आ रही है, इसको तो रोका नहीं जा सकता। नहीं। कि रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। नहीं रोका जा सकता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जिसका जो स्वभाव है वैसा वह आचरण कर रहा है। अब यह जो अवस्था मिली है इससे जनमानस को अवसर है। अगर कोई चाहे कि नहीं पांडे जी आप तो ठीक है, जब ऐसी बात है तो बताइए, मैं धरती का पहला पुरुष बनना चाहूँगा। पहला तो बाबू राम जी आव सिंह बन गए हैं, अब तो कोई दूसरा ही स्थान पा सकता है भैया। लेकिन चलो सेकेंड नंबर भी कम नहीं है। अगर ऐसा कोई धरती पर वीर पुरुष हो जो कि ऐसा चाहे कि मेरी बुद्धि प्रत्येक श्वास में कपट से मुक्त रहे, कपट मुक्त पुरुष मैं बनूंगा, वह सन्मुख हो सकता है। क्योंकि जब तक कपट रहेगा तब तक कोई कहे शिव जी की भक्ति की शुभारंभ कर ले तो यह संभव नहीं है। और कोई जिज्ञासा? नहीं। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं? जी गुरु जी। कितना? 100%। 100%। तो आपके जितने मित्र हैं, जितने धरती पर हैं, सबको स्पष्ट करा दीजिए जो वस्तु आपको मिल गई। 100% जब आपको संतोष मिल गया तो आप सबको दे दीजिएगा। हाँ, ये सब भाव जान करके धरती का कोई भी मित्र, अब कलयुग का कुचाल है भाई, क्या करे। लेकिन जो भी मित्र चाहे कि नहीं, जब ऐसी व्यवस्था है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और एक सिक्के का भी दान ये नहीं लेंगे, इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं। लेकिन अब क्या करे, BHU गए थे आधार कार्ड बनवाने, तो तमिल मणि भाई प्रोफेसर है जुलाजी डिपार्टमेंट में,
अब वो बोले कि अब पांडे जी आप इतना हेल्प किए हैं, मेरी इच्छा है 500 रुपया दे दिए तो रख लिए, क्योंकि किसी के सम्मान का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो अपनी मनोदशा है, इसमें आपसे यानी पूरे सृष्टि के अंदर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवी देवता ऋषि मुनि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक एक सिक्के की प्राप्ति हो जाए, इसकी कल्पना भी यह बुद्धि एक श्वास में नहीं कर सकती। बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान दे दे रहे। ठीक, तो जब जहां तक इस जगत में, इस पंचभूत में आसक्ति है, जो साइंटिस्ट अर्थ वाटर एयर स्पेस इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको रिसर्च का यह विषय ही नहीं है। आई डोंट फाइंड दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी रिसर्च, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डिल्यूजन। सो योर सोल एंड सुप्रीम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स श्री शिव जी, बोथ आर द सेम, सो आई कंसिडर यू द स्टैचू ऑफ गौरी शंकर जी, इफ यू प्लीज एंड वुड लाइक टू सैंक्टिफाई योर कॉन्साइंस देन यू आर मोस्ट वेलकम, एंड कंसेंट ऑफ बाबू राम जी अवन सिंह जी एंड हिज पोलाइट ऑर्डर एंड हिज प्रेजेंस, ऑल द थ्री आर रिक्वायरमेंट टू हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ यू। आई डोंट हैव एनी मोर टर्म्स एंड कंडीशन बिकॉज देयर इज नो प्लेस ऑफ ईगो वैनिटी एंड अटैचमेंट ड्यूरिंग एनी कम्युनिकेशन हियर। सो आपके पास यदि ऐसा विश्वास है कि नहीं मैं अहंकार अभिमान की क्या बात है, गुरु जी से जो भी अपना भ्रम रहेगा एक एक बात को पूछ लेंगे और अपने को भ्रम से निकालना है बॉस, यदि आप अपने अहंकार अभिमान और आसक्ति पर नियंत्रण कर सकते हैं तो आप आ सकते हैं सीधे, क्योंकि बाबू राम जी अवन सिंह जी हर समय तो नहीं रहेंगे, वह आप पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी मित्र इस भाव का अनुभव करने की इच्छा रखे, उसके अंतःकरण में किसी एक क्षण के लिए भी अहंकार अभिमान और आसक्ति की अभिव्यक्ति न हो, यही एक और वो आने की इच्छा रखता हो तो बाबू देवराज सिंह जी से भी संपर्क करके अपनी इच्छा को बता सकता है व्हाट्सएप करके। आप अपना नंबर बता दीजिए अंग्रेजी में, 8112540909 एंड टुडे इज 9 नवंबर नहीं 2024, और आज का तिथि भी आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान अपनी कानी अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, तो यह भी पूरे ब्रह्मांड को उठाए हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज ही के दिन, आज इसको गोपा अष्टमी भी कहते हैं, और आज ही के दिन 9 नवंबर 2004 दिन मंगलवार को BHU में अपने PhD की थेसिस जमा किए थे। 20 साल पहले ये 30 साल के थे, आज यह बात बड़े आराम से कही जा सकती है
क्योंकि 10 नवंबर सन 1974 को यह शरीर, एक जीव या शरीर लेकर के धरती पर आया, और 50 वर्ष का जो इस शरीर का अनुभव है, इसमें धरती पर जितने संप्रदाय और जितने संविधान हैं और जितनी यहाँ पर धरती पर व्यवस्था है, इसका जो उद्घाटन किया, जैसे मालवीय जी BHU का उद्घाटन किए, तमाम लोग अनुभव में आ रहे हैं, इनमें कोई मनुष्य निष्काम भाव को प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा जीवन में कोई भी निश्चय जो बिना शिव जी के आधार के हो, वह कभी आपको मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले चल सकता। तो आज धरती पर जितने संप्रदाय हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी वर्ल्ड है, माने पूरे विश्व का संविधान, इनके द्वारा मात्र आप ठगे जा रहे हैं। क्योंकि जहां सत्य नहीं रहेगा तो वहां से आपको सत्य संतोष नहीं मिलेगा। ठीक, तो और कोई जिज्ञासा? नहीं। सो यह सब बाणी प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा है। जब मनुष्य अपने अंतःकरण में शिव जी का आधार ले लेगा, तब उसके अंतःकरण में अविनाशी भाव भर जाएंगे, फिर इस पंचभूत का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जैसे यह सब बाड़ी प्रकट हो रही है गोलू बच्ची, इसमें स्प्रिहा दोष नहीं है, देयर इज नो लॉन्जिंग एट ऑल, सो देयर इज एंड ऑफ लॉन्जिंग। अर्थात स्प्रिहा दोष का अंत होता है। अब कोई चिरकुट बोल के मर गया कि आशा तृष्णा ना मरी, तो उसका चुगलखोरी थोड़ो करेंगे। जो चीज हो रहा है आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, अरे आपकी पहुंच नहीं थी, विधवा के बलात्कार से पैदा हुए, कभी स्वीकार ही नहीं किए कि कभी प्रवचन देते देते किसी विधवा का बलात्कार किए थे, इसलिए दुर्गति हुई जो कि विधवा के बलात्कार से पैदा होना पड़ा। तो ये सब बातें करेंगे तो लोग झगड़ा शुरू कर देंगे, क्योंकि सबकी रोजी रोटी बन गए हैं। जो साधारण मनुष्य भी गोलू देखेगा तो पशु और मनुष्य में एक अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पशु का मस्तिष्क, हृदय और पेट तीनों वर्टिकल लाइन में होता है, माने उनके लिए उनका दिमाग, उनका हृदय और पेट सब बराबर, लेकिन मनुष्य को तो सबसे ऊपर प्रभु की रचना में मस्तिष्क का स्थान है। तो पहला स्थान आप दे दीजिए, अपने मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी रोष मत रखिए। यदि आप अपना सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने भाव में से किसी के प्रति रोष करना भी है, इस भाव को जो निकाल सके निकाल दे, क्योंकि बिना इसके शिव जी की भक्ति की धारा में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो इसमें चुगलखोरी क्या करना है? अब पूरे धरती पर जितना भी व्यवहार जगत है, इसमें कोई एक मनुष्य है ही नहीं इस समय जो चुगलखोर ना हो। चुगलखोर माने अंदर कुछ बाहर कुछ। तो ये सब सूल देने वाला संसार रहा। अभी संसार जगत में आपके इस मित्र को मान्यता नहीं चाहिए। वो गाना सुने है ना कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठाई से, तो उसको एक रूप दे दिए। रूप यह है कि इस जगत में एक श्वास में भी, जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में भी रविशंकर को कोई एक क्षण के लिए याद कर ले, इसकी कल्पना ही यहां से समाप्त हो गई।
क्या याद करेंगे? याद करेंगे तो अपना चिंता ही तो घुसेड़ देंगे। धरती पर ऐसी कोई नारियां नहीं है जो कि अपने पुत्र के लिए चिंता न करती हो। तो ऐसा चरित्र जो कि अपने पुत्र के ही बुद्धि में चिंता रूपी जहर डाले, तो बस प्रभु के कृपा से पता हो गया कि सब अपने स्वभाव के अधीन है और परमात्मा किसी के कर्म स्वभाव और कर्म फल की रचना नहीं करते। इसके लिए नवीन कर्म करने के लिए बाबू देवराज सिंह बच्ची, अरे वाह रामो राजा गिले कल्याण हो बच्ची, बैठो बैठो। तो राम जीवन सिंह भैया बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं किसी के कर्म स्वभाव और कर्म फल की रचना नहीं करता। तो भगवान का बन जाना इसका अर्थ है कि इस धरती पर किसने क्या कर्म किया, उसका उसको क्या फल मिला, उसको पूजा हो रहा है कि लोग उसकी मूर्ति तोड़ रहे हैं, इन सब से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। क्योंकि एक एक कोशिकाओं के द्वारा जो कर्म हुआ जगत में वह सब समर्पित हो गया। अब इस रूप से, इस नाम से, ब्राह्मण कुल से अब इस मन का कुछ भी संबंध नहीं रहा। यह अति दुर्लभ अवस्था है। यह प्राण है शरीर में, यह धरती के एक एक मनुष्यों को यह अनुभव प्रदान कर सकता है इसी शरीर से, लेकिन जब जगत चाहे भैया तब ने, मित्र है, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिस्ट प्रोफेसर सबको कहे कि धरती पर कम से कम सेंटर आप एक कौन साइंस अगर मनुष्य चाहे कि एक ऐसा केंद्र हो जहां पर मात्र शुद्ध अंतःकरण ही निवास करे, माने जहां पर अंतःकरण की शुद्धि हो। लेकिन ये कुचाली कलयुग में इस बात की कल्पना करने के लिए लोग तैयार नहीं है, और अरबों खरबों की संपत्ति खाली जो है दूसरे का विनाश करने के लिए मिसाइल जुटाने में लगा रहे हैं। 10 वर्षों से लक्ष्मी जी का परित्याग हो गया, यही लोग अपने से वही 500 रुपया वो और 4-5 हजार रुपया जो है बाबू देवराज सिंह आप खुद ही जो है दान में किए। क्योंकि यदि लक्ष्मी चंचला है, जिमि थोरे धन खल बउराही, यदि ये लक्ष्मी से आसक्ति रख ले तो इनके अंतःकरण में खल वृत्तियां अपने आप प्रकट हो जाएगी। इसलिए ये एक श्वास में भी कोई एक सिक्के का सहयोग करे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिसके पास जो विवेक है जैसा भी चरित्र करे, यहाँ तक कि यह शरीर बोल रहा है अगले क्षण बोले न बोले, क्योंकि ये जो है शिव जी के प्राण को स्वतंत्र छोड़ दिए, अब इनका इस सृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं, 3 लोक 14 भुवन में किसी पद भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा नहीं। दिस इज इंटरव्यू एंड दिस इज आउटर व्यू, देयर इज नो डिफरेंस इन इनर कोर। सो वाणी को विराम दे देते हैं, सारी बातें स्पष्ट है। श्री शिव जी की भक्ति से ही वास्तविक मनुष्य जीवन का शुरुआत होता है, लेकिन श्री शिव जी की भक्ति पाने के लिए जो पुत्र आदर के साथ कि मेरे माता पिता के हृदय में गौरी शंकर जी ही हैं, हमें कोई कुतर्क नहीं करना है, डॉक्टर पांडे सोच करके बता दिए बात, हम गौरी शंकर जी की सेवा में लगे, आदर के साथ जो 1 वर्ष तक अपने माता पिता का निस्वार्थ सेवा कर लेगा उसे शिव जी की भक्ति अवश्य मिलेगी।
यह 10 अरब दशरथ जी का वचन है कोई, लेकिन यह काम कोई माई का लाल नहीं कर सकता। धरती पर गोलू जी, जितने माई के लाल के नाम से लोग जाने जाते हैं, नहीं माई के लाल थे वल्लभ पटेल जी और गांधी जी, और माई के लाल थे बुद्धा जी, रविदास जी। माई का लाल यह कार्य नहीं कर सकता। कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो कौन हो सकता है? तो वह एक पिता का पुत्र हो सकता है, माई का लाल नहीं हो सकता। तो जो अपने पिता का पुत्र बनना चाहे और कहे कि बताइए गुरुजी मैं वह पहला व्यक्ति बनूंगा दूसरा बनूंगा, कोई आए जो कि अपने अंतःकरण को विशुद्ध करने का भाव रखता हो, तो इनका प्रयोजन नहीं है। ही डजंट अलाउ टू राइट टू सबमिट इवन ए प्रोजेक्ट। कहाँ सबमिट करें? जब कोई अपने बुद्धि को पवित्र करना चाहेगा तब कोई व्यवहार करेंगे, नहीं तो जहाँ तक व्यवहार है कोई एक बूंद पानी भी डाल दे इस गले में, इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। एंड दैट इज द फाइनल बीएटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बर्थ एंड लाइफ। जय श्री राम, जय श्री।